नमस्कार, जय श्री कृष्ण। चित्रकला के किसी भी रूप को बनाने के लिए स्केचिंग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे पिछवाई चित्रकला के बारे में, जो नाथ द्वारा से पुष्टि मार्ग से संबंधित है। इसमें भी स्केचिंग में अगर आप पारंगत नहीं हैं तो आपको जो आपकी पिछवाई बनेगी उसमें काफ़ी खामियां रह जाएगी। तो आज मैं थोड़ा सा आपको स्केचिंग के बारे में बताता हूँ, लाइन आर्ट, रेखांकन बोलते हैं जिसको। आज मैं श्री पुष्टि मार्ग के संस्थापक, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को फाउंड किया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी का एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु, पेंसिल स्केच हम करेंगे श्री मत वल्लभाचार्य जी का। ये जो स्केच है आप श्री का, आप आपके द्वारा लिखी गई सुबोधनी जी आपके श्री हस्त में है। एक बार में कोई भी स्केच कंप्लीट नहीं होता है, उसको जैसे मैंने पहले हल्का थोड़ा सा कर लिया है ताकि वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसमें शिवल्लभाधीश की जय। ये आपके श्री हस्त में श्री सुबोधनी जी, जो आपकी टीका है, उसको इन्होंने आपने धारण किया हुआ है श्री हस्त में, वो इसमें दिखाने का प्रयास है। स्केचिंग सही होता है तो सब चीज़ ऊपर का कलर का काम है वो भी फिर उस हिसाब से सही होगा। इसलिए सभी को चाहिए स्केचिंग का अच्छा अभ्यास करें। आप श्री का ये जो हस्त है, ये वाला, ये किसी, ये जो पोज है इसमें, ये किसी बात को समझाते हुए हमारी जो मुद्रा हो जाती है वो वाला पोज है। स्केचिंग में
फ़ायदा ये होता है कोई भी एक्स्ट्रा लाइन गलती से हो जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है, और जब पूरा स्केचिंग बन जाए तब इसको आउटलाइन से क्लियर करना चाहिए। आप श्री ज़्यादातर श्वेत वस्त्र ही धारण करते थे तो मैं वही बना रहा हूँ। इसमें ये जो आपका आपसी का चरण है इसको थोड़ा सा नीचे तालू की तरफ भी दिखाया जाए तो इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी बिल्कुल इनविजिबल टाइप एक का लाइन बताता हूँ ताकि इससे नीचे का तालू दिख जाएगा आपसी का। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए स्केचिंग में, छोटी छोटी डिटेल को ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे हाथ भले ही दिखाया है लेकिन वो आप श्री का जो श्वेत वस्त्र है उसके अंदर रहता है, तो ऐसे ही थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है वस्त्र तो उसमें दिखता है, इसलिए ऐसा दिखाया गया है। अब हम आप श्री के लिए एक छोटा सा आसन तैयार करते हैं। पेंसिल स्केच में ज़्यादा हमें डिटेल नहीं देना है, वो हम कलर करते समय दे सकते हैं आराम से। थोड़ा सा इसकी विड्थ कम है, मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। श्री वल्लभादीश की जय। देखिए सिर्फ स्केच में ही खूबसूरती है, और यह स्केच जो मैंने सीखा है श्री दामोदर दास जी, श्री नरोत्तम नारायण शर्मा के छोटे भाई थे, उन्होंने पहले बनाया था, उसको देखकर मैंने प्रैक्टिस किया है। मैं उनके चरणों में अपनी ये कला साधना समर्पित करता हूँ।